800 रुपए के सिर्फ ये इतने से चॉकलेट, ये दो। और ये है पेट्रोनास टावर। अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ वाला माहौल है, शायद कुआलालंपुर में जितने भी लोग थे सभी यहीं पे आ गए। पेट्रोना मॉल के पीछे मुझे जाना है, पर यहाँ नीचे आके देखा मेरे पीछे की तरफ का नज़ारा, तो ईद की छुट्टी है इसलिए देखो कितनी भीड़ है और क्या हालत है अभी यहाँ पे। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे इस टावर पे लाइट जल रही है ज़्यादा, और टावर और निखर के दिख रहा है। अब देखिए लाइट जलने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अंधेरा हो गया पूरी तरह से, थोड़ा सा बाकी है और। जाते जाते एक शॉप दिखी मुझे चॉकलेट की, तो यहाँ पे चॉकलेट देखे तो बहुत ही प्रकार के चॉकलेट थे। इसमें से अब मुझे लेना है ये सब वाले मिक्स में लेना है। एक यहाँ से थैली लेनी है और जो भी चाहिए वो सब मैं मिक्स ले सकता हूँ। देखिए इस तरफ से उस तरफ तक पूरे चॉकलेट ही चॉकलेट है, सभी अलग अलग प्रकार के ले लेता हूँ। पता नहीं कितने रिंगेट के होंगे बट लेना तो चाहिए। ₹46 के दो पैकेट लिए हैं चॉकलेट के, सब मिक्स चॉकलेट है। तो उसमें सोचा कि चलो दोनों तरफ के, इस तरफ का एक पैकेट लिया और उस तरफ का लेफ्ट एंड राइट, तो दोनों पैकेट के हुए ₹46, मतलब एक के हुए ₹23, तो दोनों के 800 रुपये के सिर्फ ये इतने से चॉकलेट, ये दो। चलो अब घर पे जाना है, कल तो शॉपिंग करने को चॉकलेट लेने का मौका नहीं मिलेगा वापस यहाँ पे आने का, तो जाते जाते मैंने ले लिए। अब ठीक है 800 रुपए के चॉकलेट कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ KLCC के मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से अब बाहर आया हूँ तो सामने दिखा है कुआलालंपुर का मेन अट्रैक्शन जो कि है पेट्रोनास टावर। तो मेरे देखिए बिल्कुल पीछे ही है ये पेट्रोनास टावर, और यही देखने के लिए तो लोग आते हैं कुआलालंपुर। इस टावर की ऊंचाई तो बहुत है, पूरी गर्दन ऊपर करके देखना हो पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत दूर हूँ अभी टावर से। इस गार्डन में हूँ, सामने ही इसके एक बड़ा सा गार्डन है, और ये है पेट्रोनास टावर। आज ईद है इसके लिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, वरना इतने लोग नहीं रहते यहाँ पे। ईद है तो छुट्टी है, छुट्टी है तो लोग आए हैं यहाँ ग्रुप से फोटो निकालने और छुट्टी बिताने के लिए। बहुत ही भीड़ है यहाँ पे टावर के अंदर। अब जाऊँगा मैं, क्योंकि अब 4:15 हुए हैं और थोड़ी देर से धूप कम हो जाएगी, फिर उसके बाद बाहर आके इसके और वीडियो निकालूंगा, क्योंकि रात के समय पे जब लाइटिंग होती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये टावर। इसके आसपास का एरिया भी देखिए, उसके आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वो भी बहुत ऊंची ऊंची हैं। कुआलालंपुर में मैं यही तो देखने आया था खास तौर पे, आके बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। टावर के अंदर जाके देखता हूँ कि क्या हिसाब किताब है अंदर। ईद है इसलिए तो भीड़ बहुत ही जम के भीड़ है, वरना इतनी भीड़ नहीं होती कभी ज़्यादा। इस टावर के पीछे बहुत ही बड़ा पार्क है, वहाँ पे भी जाऊँगा मैं। मॉल में जाने के लिए जैसे दरवाजे खुल रहे वैसे AC की ठंडी ठंडी हवा आ रही और जान में जान आ रही है, बाहर तो बहुत गर्मी है।
अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ वाला माहौल है, शायद कुआलालंपुर में जितने भी लोग थे सभी यहीं पे आ गए। ये नीचे की तरफ भी कुछ प्रोग्राम छोटा सा चल रहा है वहाँ पे, वो देखने के लिए काफ़ी लोग खड़े हैं। यहाँ चौथे फ्लोर पे पहुँच गया हूँ मैं इस पेट्रोनास टावर के। यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिली है भीड़ से, नीचे तो देखिए कितनी भीड़ है। और यहाँ ऊपर फोर्थ फ्लोर पे काफ़ी कम मात्रा में भीड़ है। तो ये है पेट्रोनास टावर्स, फोर्थ फ्लोर पे काफ़ी सारे शॉप्स है, जैसे फूड कोर्ट है, कुछ बुक की शॉप्स है, जो मॉल में होती है सभी यहीं पे सुविधाएं है। आगे जाके कहीं बैठने को जगह मिल जाए आधा एक घंटा पहले मैं वहाँ पे रेस्ट करूँगा, अंदर ठंडा बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये थर्ड फ्लोर पे आ चुका हूँ मैं नीचे, क्योंकि फोर्थ के ऊपर जाने के लिए कुछ भी चांस नहीं है। और यहाँ भी मैं फोर्थ से नीचे थर्ड पे आया हूँ। बड़े बड़े ब्रांड के शॉप्स हैं सभी यहाँ पे, जैसे ये अंडर आर्मर और सामने है स्केचर्स। ऐसे बहुत से ब्रांड है जो कि जितने देखूंगा उतने कम है। पेट्रोना मॉल के पीछे मुझे जाना है, पर यहाँ नीचे आके देखा मेरे पीछे की तरफ का नज़ारा, तो ईद की छुट्टी है इसलिए देखो कितने भीड़ है और क्या हालत है अभी यहाँ पे। ये इस मॉल के पीछे का जो बड़ा सा पार्क है वो है ये। चलो जो भी है, लेकिन घूम के तो आते हैं। ये बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का, नीचे से ऊपर से तो बहुत ही कम लग रही थी भीड़, यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि कोई मेला लगा हो। We'll be right back.
जैसे हम लोगों ने देखा था कि सिंगापुर में कुछ फाउंटेन शो होते हैं, तो उसके साथ आगे जो रात के 8, 9, 10 बजे जो शो होते हैं, बस वैसे ही शो यहाँ पे भी होते हैं रात के 8, 9 और 10 बजे। इतनी देर तक तो मैं नहीं रुकूँगा, बट यहाँ पे होते ही वो शो। और इस तरफ से ये पैटर्न आता है, थोड़ा उस तरफ आगे की तरफ चलता हूँ, वहाँ पे क्या है देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा वहाँ पे भीड़ कम हुई तो कुछ देर में बैठूँगा वहाँ पे। इतनी भीड़ में मन नहीं लग रहा वीडियो बनाने का, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे इस टावर पे लाइट जल रही है ज़्यादा, और टावर और निखर के दिख रहा है। तो वही बेस्ट शॉट लेने के लिए मैं जब यहाँ 4 बजे से अंदर था, पहले बाहर से कुछ वीडियो निकाला, फिर अंदर गया पेट्रोना टावर्स के, वहाँ पे एक मॉल है सूर्या मॉल करके, सूर्या KLCC, तो वहाँ पे काफ़ी वक्त गुजरा, फिर बाहर आके खड़ा रहा और यहाँ पे अब तक इतनी लाइट जली है और इस तरह से ये टावर दिख रहा है। और अंधेरा होगा तो और लाइटें चलेगी। तो इस तरह का नज़ारा है पेट्रोना टावर्स का, पेट्रोनास ट्विन टावर। अब देखिए लाइट जलने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अंधेरा हो गया पूरी तरह से, थोड़ा सा बाकी है और इस तरह से ये टावर दिख रहा है। तो पेट्रोना टावर्स पे बहुत ही वक्त चला गया, जैसे मैं दोपहर में यहाँ आया था दोपहर की रात हो गई। अब चलता हूँ पवेलियन मॉल, वहाँ पे अगर मेट्रो जाती है कोई LRT या मेट्रो तो वहाँ पे डायरेक्टली जाता हूँ, तो वहाँ से एरिया कवर करके फिर निकलूँगा अपने हॉस्टल की तरफ। और जो यहाँ का KL टावर है वो कल सुबह जाने की कोशिश करूँगा मैं ज़रूर। तो चलते हैं अभी पवेलियन मॉल की तरफ़।